नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के कई जिलों में 19 जून तक के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। राज्य के 13 जिलों में पेट्रोल की कीमतें हुई 100 के पार। राज्य के 88,000 नियोजित शिक्षकों को एक महीने के अंदर करना होगा यह काम। लोजपा का पारस गुट आज करेगा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के कई जिलों में 19 जून तक के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। सूबे में मानसून के धमकते ही बारिश की तीव्रता तेज हो गई है और हर रोज ही कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। आगे अभी यह बरसात सामान्य से अधिक होने वाली है। इस वक्त बंगाल की खाड़ी में निम्न हवा का दबाव सक्रिय हो रहा है, जिससे यह नमी बिहार में प्रवेश लेने के बाद उत्तर और दक्षिण दिशा में फैल रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने 19 जून तक पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश के साथ कहीं कहीं बिजली भी गिरने की संभावना है। वहीं यह भी कहा गया है कि 21 जून तक उत्तर पश्चिम बिहार के कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। राज्य के 13 जिलों में पेट्रोल की कीमतें हुई 100 के पार। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से त्रस्त आम लोगों पर महंगाई की मार भी कम नहीं हो रही है। ईंधन की कीमतों में एक बार फिर से बीते दिन गुरुवार को बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि बिहार के कई जिलों में पेट्रोल के दाम 100 के पार चले गए हैं तो कुछ 100 के आंकड़े को छू रहे हैं। गुरुवार को राज्य के 13 जिलों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर रहे हैं। इसके तहत अररिया, बांका, भागलपुर, ईस्ट चंपारण, जमुई, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, सीतामढ़ी, सुपौल और वेस्ट चंपारण में पेट्रोल के दाम 100 रुपए और कुछ पैसे प्रति लीटर रहे। वहीं राजधानी पटना में कीमत बस शतक का आंकड़ा छूने ही वाला है। पटना में 99.29 रुपए के भाव में कल पेट्रोल बिके हैं। वहीं बेगूसराय और समस्तीपुर जिले में ही सिर्फ 98 से 99 रुपए के बीच के भाव में पेट्रोल मिल रहे हैं। राज्य के 88,000 नियोजित शिक्षकों को एक महीने के अंदर करना होगा यह काम। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पंचायती राज तथा नगर निकाय नियोजन इकाइयों द्वारा बहाल ऐसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्रों की निगरानी जाँच नहीं हुई है, उनके लिए राज्य सरकार ने अब अंतिम मोहलत के रूप में एक महीने का समय दिया है। ऐसे शिक्षकों की संख्या राज्य में 88,000 है और इन्हें 21 जून से 20 जुलाई तक अपने प्रमाण पत्र को शिक्षा विभाग द्वारा NIC की मदद से बनाए गए वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही उनको अब तक प्राप्त वेतन की राशि भी उनसे लोक मांग वसूली अधिनियम प्रावधान के तहत वसूल की जाएगी। आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के तहत साल 2006 से 2015 की अवधि में नियुक्त सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच की जानी है। इस आदेश के करीब 4.5 साल बाद भी ऐसे करीब 3.10 लाख शिक्षकों में से 1,03,917 शिक्षकों के नियोजन फोल्डर प्राप्त नहीं हुए थे। मई में शिक्षा विभाग ने सभी DEO को ऐसे शिक्षकों के ब्यौरे जिले के NIC के वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा तो 88,000 ऐसे शिक्षकों के नाम भी उजागर हो गए जिनकी जांच अभी होनी बाकी है। इसके तहत ऐसे शिक्षकों को मैट्रिक, इंटर, स्नातक और शिक्षक प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, परीक्षा अथवा TET उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, मेधा सूची, नियुक्ति पत्र, जाति व आवासीय प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी को 21 जून से 20 जुलाई तक शिक्षा विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in, educationbiharcitizenhome.html पर उपलब्ध apps.online.bih.nic.in लिंक के माध्यम से अपलोड करना होगा। लोजपा का पारस गुट आज करेगा प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। लोक जनशक्ति पार्टी के खेमे के 2 गुट में बट जाने पर मुहर बीते दिन गुरुवार को ही लग गई थी, जब पटना में लोजपा सांसद सूरजभान सिंह की आवाज पर बैठक कर चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस के समर्थन में एक गुट ने उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। वहीं अब अगले चरण में अब पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की जानी है। इसके लिए पशुपति पारस का गुट आज अपने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान रविवार को दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में चिराग ने पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने को संविधान के खिलाफ बता दिया है। चिराग ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 90 से अधिक सदस्यों में से केवल 9 ने पारस को अपना अध्यक्ष चुना है, जो कि असंवैधानिक है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पारस गुट द्वारा पार्टी के चुनाव चिन्ह और झंडे के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं सूत्रों के मुताबिक रविवार को दिल्ली में चिराग पासवान के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। नेपाल में लगातार बारिश से बूढ़ी गंडक आई खतरे के निशान के करीब। बरसाती सीजन आते ही बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल और उसकी तराई वाले क्षेत्रों में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, जिससे गंडक और बूढ़ी गंडक में पानी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। इससे बीते दिन ही बूढ़ी गंडक में जलस्तर में 2 मीटर की वृद्धि हुई है, तो वहीं गंडक नदी में 1.40 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। हालात ये हो गए हैं कि पानी का स्तर किसी भी वक्त खतरे के निशान को छू सकता है, इसलिए ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज और पारू
प्रखंड को अलर्ट किया गया है ताकि बाढ़ जैसे कोई भी हालात आने से पूर्व ही तैयारी पूरी रह सके। आपको बता दें कि फिलहाल खतरे के निशान से गंडक नदी का पानी 90 सेंटीमीटर ही नीचे है, तो वही बूढ़ी गंडक 3.53 मीटर नीचे है। 27 जून को होगी बिहार प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक 27 जून को आयोजित करवाई जानी है, जिसकी अध्यक्षता बिहार प्रभारी सांसद भूपेंद्र यादव करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, सांसद सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद रह सकते हैं। इससे पहले 20 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में नए मंत्रिमंडल के विस्तार समेत अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राज्य में अब पेड़ों से 1 मीटर की दूरी तक नहीं बनेगी कोई भी सड़क। बिहार में अब पेड़ों से 1 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किए जाएंगे, यानी पेड़ों से बिल्कुल सटाकर किसी भी प्रकार की सड़क नहीं बनाए जाएंगे। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग ने बीते दिन एक निर्देश जारी कर सभी कार्यपालक अभियंताओं को कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्र में 100% सड़कों का निरीक्षण कराकर इस निर्देश का पालन करवाएं। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान पहले से लगे हुए पेड़ों की जड़ों में सटाकर कालीकरण, पीसीसी या फिर पेवर ब्लॉक लगा दिया जाता है, जिसका बुरा प्रभाव पेड़ों पर पड़ता है और वे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसके तहत अब विभाग ने आदेश दिया है कि 3 सप्ताह के अंदर राजधानी के क्षेत्र में हर पेड़ के चारों ओर 3.14 वर्ग मीटर की जगह छोड़ते हुए उसे कच्चे जगह में बदल दिया जाए। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने चिराग पासवान को बताया लोजपा में टूट का कारण। बिहार में बीते वर्ष विधानसभा चुनाव में ही एनडीए में साथ होने के बाद भी जदयू और लोजपा दोनों ही पार्टी की तकरार और एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार किसी से छुपी नहीं थी। वहीं अब लोजपा में टूट होने के बाद एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड और चिराग को समर्थन देने वाले नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस क्रम में लोजपा में टूट को लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोजपा में हुई टूट के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद चिराग पासवान ही। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करने पर उनका समर्थन भी किया और कहा कि नीतीश कुमार को लोग विकास पुरुष के रूप में देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारकर जेडीयू की सीट को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए यह भी सियासी चर्चा है कि जेडीयू ने चिराग पासवान से इस बात का बदला लिया है। पटना स्थित आरजीआईएमएस में कल से ओपीडी सेवाएं होंगी शुरू। राजधानी पटना में स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आईजीआईएमएस में कल यानी कि शनिवार से ओपीडी की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आने के कारण आईजीआईएमएस में सामान्य सेवाओं को शुरू किया जा रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर अभी सीमित ओपीडी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ही व्यवस्था की गई है, यानी रोगी को एक दिन पहले संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन कराकर ओपीडी में आकर या फिर वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से ले सकते हैं। भीड़ जमा ना हो इसके लिए अभी काउंटर पर से ओपीडी पंजीयन की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। फिलहाल हर सर्जिकल ओपीडी में प्रत्येक दिन 30 मरीज और मेडिसिन ओपीडी में 50 मरीजों को ही देखा जाएगा। अगर मरीज चाहे तो टेलीमेडिसिन में पंजीयन कराकर वीडियो कॉल पर भी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। इसके साथ ही ओपीडी में आने वाले सभी रोगियों और उनके परिजनों का कोरोना एंटीजन रैपिड टेस्ट किया जाएगा और नेगेटिव आने पर ही उन्हें ओपीडी में जाने की इजाजत मिलेगी। इसके अलावा आप अगर चाहे तो आईजीएमएस मोबाइल ऐप से खुद भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पटना एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए श्रीलंका से मंगाए गए इंजेक्शन। एक तरफ राज्य में कोरोना की लहर थमती जा रही है तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अब इंजेक्शन की कमी के कारण राज्य में बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज करने में परेशानी आ रही है। दरअसल ब्लैक फंगस के लिए जरूरी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, जिस कारण ऐसे में अस्पताल प्रबंधन अपने स्तर से इंजेक्शन मंगवा रहे हैं। इसके तहत पटना एम्स में श्रीलंका से इंजेक्शन की खेप मंगाई गई है। बता दें कि एम्स में अब तक ब्लैक फंगस के 173 मरीज जबकि आईएमएस में 134 मरीज भर्ती हो चुके हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण लगातार 5वें दिन एम्स और आईजीआईएमएस में भर्ती मरीजों को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन नहीं मिल सका, जिसके बाद एम्स प्रशासन ने देश विदेश की आधा दर्जन कंपनियों को दवा के परचेज का ऑर्डर दिया था। एम्स के नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार ने इस संबंध में बताया कि फिलहाल श्रीलंका से 2100 वॉयल इंजेक्शन पहुंच चुके हैं, अन्य जगहों से भी जल्द इंजेक्शन मिलने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ये इंजेक्शन भर्ती मरीजों को मुफ्त में दिए जाएंगे।
संजय झा ने बिहार में बाढ़ को लेकर विभाग को बताया मुस्तैद। बिहार के आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि इन सब को लेकर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बीते दिन ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि फ्लैश फ्लड के कारण गंडक में गंभीर स्थिति बनी हुई है। तटबंध पर खतरा न हो इसके लिए 70 घाट के अप्रोच पथ को काटा गया है। मानसून के बाद 70 घाट पुल की लंबाई बढ़ाई जाएगी। विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। फ्लैश फ्लड की स्थिति में कहीं भी खतरा हो सकता है। इसके साथ ही 72 घंटे पहले लोगों को जानकारी भी उपलब्ध करवाने की विभाग कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही लोगों की सोच को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कंट्रोल रूम में 24 घंटे लोगों को किसी प्रकार की सूचना 1800-345-6145 पर लेने की बात कही है। पटना में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थानेदार को किया गिरफ्तार। राजधानी पटना में बालू माफिया पर शिकंजा कसने के दौरान विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत निगरानी विभाग की टीम ने एक थानेदार और दो सिपाहियों की गिरफ्तारी की है जो कि बालू माफियाओं से साठगांठ कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई पटना सिटी के इलाके में की गई जहां विजिलेंस टीम ने दीदारगंज थाने के SHO राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके साथ ही अवैध वसूली के मामले में दो सिपाही भी गिरफ्त में आए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों बालू माफिया से संपर्क करके अवैध वसूली उनसे किया करते थे। मामले में पुलिस आगे की पूछताछ में जुटी हुई है। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल से आए हाथियों ने मचाया आतंक। नेपाल से सटे बिहार की सीमा वाले गांव में अक्सर जंगली जानवर घुसकर तबाही मचा देते हैं। वहीं अब एक नए मामले में बीते दिन गुरुवार को अररिया जिले से खबर आई है जहां जंगली हाथी ने घुसकर फसल और जानमाल को काफी नुकसान पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के मानिकपुर पंचायत में इस जंगली हाथी ने फसलों और घरों को नष्ट तो कर ही दिया, वहीं एक बच्चे सहित दो लोगों को कुचल दिया जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं जानकारी मिलने के बाद SSB जवानों ने लोगों की भीड़ को हटाते हुए हाथी को भगाने का प्रयास किया, मगर उसके बाद हाथी खुद ही वापस नेपाल की सीमा में चला गया। आज के दिन को पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की पारी ने बनाया था यादगार। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज के दिन बेहद ही खास है। हालांकि आज के दिन भारत ने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब तो अपने नाम नहीं किया, मगर हाँ वर्ल्ड चैंपियन बनने की नींव साल 1983 में आज ही के दिन रख दी गई थी। कपिल देव की कप्तानी में 25 जून को टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनने की नींव 18 जून 1983 को रख दी गई थी और यह नींव खुद कप्तान कपिल देव ने रखी थी। कपिल देव ने आज ही के दिन यानी कि 18 जून 1983 में पहले 175 रनों की जादुई पारी खेलकर जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम को जीत दिलाई थी। देश भर में 8 लाख से कम हुए कोरोना के एक्टिव मामले। देश भर में कोरोना के मामलों में औसत कमी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 62,480 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 1,587 संक्रमितों की जान भी चली गई। वहीं इस दौरान 88,970 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 7,98,656 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान 385 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं इस दौरान 568 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में अब एक्टिव केस 3,803 हो गए हैं। वहीं रिकवरी दर 98.15% हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि कोरोना मामले में कमी को देखते हुए बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन को करवाना चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।